उच्च न्यायालय 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन अध्याय संख्या 58 रेडी यस स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल मई में प्रदूषित शहरों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। विराम, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं। विराम, और सबसे भयावह यह है कि टॉप 10 में से 9 हमें हमारे शहर ही मिले हैं। विराम, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन शहरों में पीएम 2.5 की सालाना सघनता सबसे ज्यादा है। विराम, पीएम 2.5 प्रदूषण में शामिल वो सूक्ष्म तत्व हैं जिसे मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। विराम, इसके मुताबिक दुनिया के हर 10 में से 9 लोग काफी प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। विराम, इसके मुताबिक हर साल घर के बाहर और घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत होती है। विराम, अकेले बाहरी प्रदूषण से 2016 में मरने वालों की संख्या 42 लाख के करीब थी, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या 38 लाख है। विराम, वायु प्रदूषण के कारण हार्ट संबंधी बीमारी, सांस की बीमारी और अन्य बीमारियों से मौत होती है। विराम, ठंड का मौसम आते ही प्रदूषण का विकराल रूप हमारे शहरों में देखने लगता है। विराम, इसलिए हम आपके लिए पोल्यूशन ट्रैकर लेकर आए हैं ताकि आप खुद अपने आसपास का प्रदूषण जांच सकें और खुद को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय कर सके। विराम पैरा, अपने शहर के पोल्यूशन लेवल को ट्रैक करें। विराम, यह सही है कि तालिबान भी अमेरिका के साथ समझौते के लिए बेकरार था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी उस विचारधारा का परित्याग कर दिया है जिसने अफगानिस्तान को विनाश की ओर धकेला। विराम, कतर समझौते के बाद अमेरिका ने जिस तरह यह कहा कि वह अपनी सेनाएं अलग 14 महीनों में लौटाएगा और इस दौरान उसी ओर से इस पर निगाह रखी जाएगी कि तालिबान समझौते की शर्तों को सही तरह पूरा कर रहा है या नहीं, उससे भी रेखांकित होता है कि उसे तालिबान नेताओं पर भरोसा नहीं। विराम, चूंकि तालिबान का रुख रवैया बहुत भरोसा नहीं जगाता और इस संगठन के नेता काबुल में सत्तारूढ़ नेताओं को अहमियत देने से भी इनकार करते हैं, इसलिए अफगानिस्तान की जनता भी उनसे सशंकित है। विराम, एक अंदेशा यह भी है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर फले फूले और संरक्षण पाए तालिबान का इस्तेमाल अपने संकीर्ण इरादों को पूरा करने के लिए कर सकता है। विराम, इस अंदेशे का एक बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने हिसाब से संचालित करते हुए देखना चाहता है। विराम पैरा, यदि पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में
मनमानी करने में सक्षम होता है तो इससे पूरे क्षेत्र के लिए नए सिरे से खतरा पैदा हो सकता है। विराम इससे भारतीय हितों को भी नुकसान पहुंच सकता है। विराम यह अच्छी बात है कि कतर में अमेरिका तालिबान समझौते के समय भारतीय राजदूत भी मौजूद रहे, लेकिन भारत को भावी घटनाक्रम पर न केवल गहन निगाह रखनी होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान में भारतीय हितों के लिए खतरा न पैदा होने पाए। विराम बदले हालात में भारत के लिए तालिबान से संपर्क संवाद कायम रखना एवं करना कूटनीति का तकाजा है और इसे सावधानी के साथ पूरा करने में हर्ज नहीं है। विराम स्टॉप। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको दीपक मीना जनरल क्लासेस पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।